Hello students, today we are going to discuss about part 4, chapter 14, class 10. Part 4 में हम discuss करेंगे frequency distribution को कैसे draw करते हैं. जैसे कि हमारे पास given है 100 to 120, class interval given है और fi given है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160. And 160 to 180 और last 180 to 200. Fi given at 12, 14, 8, 6, 10. ठीक है? इसका हमने बनाना frequency distribution को. देखो जब हम इसको दोबारा से बनाए xi और fi. xi में आप बनाइए less than. क्या बनाएंगे? लेस देन. लेस देन 120 में कितने हैं? 12. लेस देन 140 में कितने हैं? कितना देगा? प्लस. दोनों प्लस हो जाएंगे ना. लेस देन 140 में जब हम देखेंगे तो 120 वाले भी मिलेंगे. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 12 प्लस 14 इज 26. और लेस देन 160 में 76 प्लस 8 इज 34. नेक्स्ट को प्लस करते जाओ. लेस देन 180, 34 प्लस 6 इज 4. और लेस देन 200 इज 40 प्लस 10 इज 50. ठीक है, आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. जब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है तो आप उसको लेस देन या मोर देन में कन्वर्ट कीजिए. लेस देन 120 में कन्वर्ट किया 12. जब लेस देन 140 करेंगे तो टोटल नंबर होंगे ना, तो टोटल करते जाओ. ऐसे आप कर्व बना लीजिए. कर्व बनाएंगे तो नीचे हम लेंगे 120, 140, 160, 180, 200. इधर हमने जाना देखो 50 तक. 10 का बना लीजिए 10, 20, 30, 40 एंड 50. 120 पे कितना है? 12. 120 एंड 12. फिर है 140 पे 26. 26. 34, 34, 40 से थोड़ा अबो एंड 50 से थोड़ा अबो. ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व. ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व है. हो जाएगा? आप जो भी क्लास इंटरवल गिवन है उसको लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करके पॉइंट्स बनाए जाएंगे. 120 का 12, 140 का 26 ऐसे, और उसको ग्राफ पे ड्रा कर देना. एक मोर देन का देख लेते हैं हम. ऐसे ही हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75 and 75 to 80. और fi given है हमारा 28, 12, 24, 38 and 16. ओके, तो आप इसमें क्या बनाना है? देखो इसमें स्टेटमेंट गिवन है, ये टोटल 100 है, ये बोला गया है. ठीक है, टोटल 100 है. आप मोर देन का बनाना है हमने, तो हम क्या बोलेंगे? मोर देन 50, मोर देन 50.
मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75, मोर देन 80, ठीक है, हो जाएगा। अब मोर देन में जब हम क्लास इंटरवल करेंगे तो एफआई में चेंज होगा। टोटल कितने हैं? 100। मोर देन 50 कितने हमारे? 100। मोर देन 55 क्या हो जाएंगे? 100 माइनस 2 98, और मोर देन 60 98 माइनस हो जाएंगे, 98 माइनस 9 इज 89, और मोर देन 65 इज 89 माइनस 12, और इसमें 77 माइनस 24, 53 माइनस 38, कहीं मिस्टेक होगी कैलकुलेशन में, आप फिर से देखिए, 98 माइनस 8 इज 98 माइनस 8 इज 90, 90 माइनस 12 इज 10 से 2 8 8 7 7, 78 माइनस 24 इज 8 से 4 4, 7 से 2 5, 54 माइनस 38 इज 14 से 8 6, 4 3 1, और 16 माइनस 16 इज 0, आप 16 तक ही करेंगे, ठीक है। अब आप 16 पहुंच गए, आप क्या करेंगे? 50 का 100 बना देंगे। जरा बनाए, स्किप करें, यहाँ 50 से लेके जाएंगे 80 तक, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, ओके। यहाँ पे आप कहाँ तक जाना है आपको? 90 तक, 10 के गैप में 100 बना दीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। देखो 50 में कितना है? 100, ऊपर से नीचे आएगा मोर देन में, लेस देन में नीचे से ऊपर, मोर देन में ऊपर से नीचे। 55 में 98, यहां जाएगा 98, फिर 90, फिर 78, फिर 54, 70 पे 54, 60, और इस कर्व को हम ऐसे ड्रा कर, ठीक है। मोर देन में ऊपर से नीचे, लेस देन में नीचे से ऊपर, मोर देन में टोटल नंबर उसमें से माइनस करते रहेंगे, लेस देन में फर्स्ट नंबर में नेक्स्ट के आगे इंक्रीज करते जाएंगे। मोर देन और लेस देन का फ्रीक्वेंसी कर्व है स्टूडेंट, इसको ध्यान से करना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।